हम बात कर रहे हैं टाइम की कैलकुलेशन। हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डेट की कैलकुलेशन पढ़ा था, टाइम की कैलकुलेशन पढ़ते हैं। देखिए, अगर सिस्टम डेट अगर टाइम डालना है आपको, 6:50 है तो 6:50 डाल दीजिएगा तो ये आपको टाइम आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि टाइम अगर शाम के 6 बजे डालना है तो 6:50 और यहाँ पे PM डालना हो पहला, अगर नहीं तो आप 24 घंटे का जो फॉर्मेट होता है उसको ले लीजिए तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। तो ये देखिए, जो आपने PM लगाया तो ऊपर में देखिए वो 24 घंटे के फॉर्मेट में ही सेव हुआ है। बाकी टाइम टाइप करने के बाद अगर नहीं सही से दिख रहा है तो फिर टाइम फॉर्मेट पे जाके आप अपने हिसाब से जो टाइम लेना चाहो ले सकते हैं। सिस्टम में टुडे का फॉर्मूला था करेंट सिस्टम डेट के लिए, और यहाँ पे एक नाउ का फॉर्मूला होता है करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम के लिए। ये आपको करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम देता है। अब मुझे इसमें से टाइम का कुछ अलग करना है पार्ट, जैसे मैंने डेट का किया था, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है आवर, जो कि इसमें से आवर को अलग करता है, मिनट जो कि इसमें से मिनट को अलग करता है, और सेकेंड जो कि इसमें से सेकेंड को अलग करता है, और वापस हमारे पास टाइम का फॉर्मूला है जिसको हम आवर मिनट सेकेंड डाल के टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सर, किसी मेरे को डेट इसमें डेट बोलिए, क्या पूरी कम बोले सर? मेरे को कंप्लीट डेट ही अलग करनी है और टाइम अलग करना। हाँ देखिए, जब भी कोई डेट एंड टाइम जब टाइप करते हैं तो उसको अगर जनरल फॉर्मेट में ले जाएंगे तो नंबर और डेसिमल होगा। जो नंबर है वो आपका टाइम है, जो डेसिमल है वो आपका, सॉरी, नंबर आपका डेट है और डेसिमल आपका टाइम है। तो आपके पास एक इंट का फॉर्मूला होता है जो कि डेट अलग नंबर को अलग कर देगा, मतलब कि डेट को अलग कर देगा, ठीक है। और फिर आप क्या करें कि इसमें से माइनस इंट कर दें, माने विथ डेसिमल माइनस विदाउट डेसिमल, तो क्या रिजल्ट आएगा? डेसिमल, तो ये आपका टाइम। ओके ओके, इस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं सर? आगे बढ़े। अब इसमें अगला टॉपिक आता है कैलकुलेशन, कि हम टाइम को कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम टाइम को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना टाइम डाल दिया, मुझे मान लीजिए इसमें 20 मिनट जोड़ना है। 20 मिनट अगर मिनट फॉर्मेट में है, मतलब टाइम फॉर्मेट में है, आप इजीली इसको जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टाइम इन द नंबर फॉर्मेट तो दिक्कत होगा, क्योंकि एक्सेल में 1 = 24 आवर होता है, मतलब एक दिन। तो उस केस में हमें ऊपर जो टाइम का फॉर्मूला हमने लिया है ना, इस फॉर्मूले का यूज करना हो तो हम इसमें प्लस टाइम आवर आवर सॉरी जीरो करना है, 0 मिनट यहाँ पे डाल दिया और सेकेंड हमने यहाँ डाल। तो टाइम फॉर्मूले की मदद से किसी भी टाइम में इंटरवल को जोड़ सकते हैं, चाहे मिनट हो, सेकेंड हो या कुछ और हो, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दो टाइम को डिफरेंस में, जैसे मान लीजिए कि आप ऑफिस 10 बजे गए और शाम को 6 बजे ऑफिस से वापस आ रहे हैं, 6 PM, सॉरी, तो आपने कितना घंटा काम किया? तो लेटेस्ट टाइम माइनस हाँ ओल्डेस्ट टाइम, ठीक है सर। लेकिन लेकिन आप 14 बजे ऑफिस गए, मतलब कि 2 बजे ऑफिस गए और रात के आप जो है 3 बजे ऑफिस से छूट रहे हैं, तो इसमें कैलकुलेशन नहीं होगी क्योंकि दोनों का डेट चेंज, समझ गए? तो इस केस में आपको क्या करना होगा, डेट टाइम इकट्ठा लिखना होगा कि 8/17 बजे, माने कि या 17/8/14, अब टाइम का जो भी फॉर्मेट उस तरह से लिखिएगा, ये हो गया टाइम, और यहाँ पे 18/8 3 बजे,
अब इन दोनों को आपस में आप क्या कर सकते हैं, लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब किसी टाइम को मिनट में कन्वर्ट करना है या आवर में कन्वर्ट करना है, तो आवर के लिए तो आप आवर का फॉर्मूला लगा लेंगे आ जाएगा, लेकिन किसी का डिफरेंस हुआ कि 45 घंटे 30 मिनट 40 सेकेंड किसी का डिफरेंस निकालना है, वो इसमें से आवर अलग करने हैं, तो यहाँ पे आवर का फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको लगाना होगा टेक्स्ट का फॉर्मूला, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बड़ी ब्रैकेट में दीजिएगा एच, तब जाएगा आपका 45 को अलग करेगा। अब मुझे इसको मिनट में ही कन्वर्ट करना है, तो यहाँ ये भी टेक्स्ट फॉर्मूले से हो जाएगा, इसके अंदर आपको एम लिख दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, देखिए आपका मिनट आ गया 37 2730 मिनट। समझ गए सर? उसके बाद मान लीजिए कि मैंने एक काम आज पकड़ा है, सॉरी 1 जनवरी तक पकड़ा था, तो ईयरली हमारा बिलिंग होता है, तो 1 साल का मान लीजिए 5 लाख होता है, लेकिन आज ये काम खत्म कर दिया, तो कितना बिल, कितना परसेंट मैं बिल करूंगा? तो ईयर फ्रिक्वेंसी एक फॉर्मूला होता है जो कि बताता है आपका कि आपने साल का कितना परसेंट यूज किया है, तो 62.7778, तो 63 लेके चलिए ना। ठीक है, ईयर फ्रिक्वेंसी बुलाता है, तो टाइम फॉर्मूले यहां पे मैंने कर दी खत्म। आप एक बार अपने हिसाब से भी टाइम को देख लीजिएगा, और कुछ कन्फ्यूजन होगा तो मुझे बताइएगा, कल हम टेक्स्ट फॉर्मूले और टाइम फॉर्मूले के ऊपर करेंगे एक छोटा सा टेस्ट।